अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको और हम सबको हमेशा खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन क़ीमा और बंद गोभी का सालन, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बंद गोभी ली है, ये मैंने काट ली है, और ये आधा ही किलो मैंने चिकन का कीमा तो नहीं है, खैर ये मोटी मोटी है, ये मैंने खुद ही काट ली थी। उसके अलावा ये एक प्याज़ है दरमियानी, मैंने ये काट ली है, आधी प्याली दही है, एक चम्मच भर के लहसुन अदरक है, तीन हरी मिर्चें हैं, और ये एक चम्मच भर के पिसे मिर्च है, पिसा ज़ीरा है, धनिया नहीं है, ये पिसा हुआ ज़ीरा है, और ये हल्दी है, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है आधा चम्मच, ये नमक है, और ये एक चम्मच कढ़ाई मसाला है जिसको हम इसमें भूनते हुए मिलाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। दाल जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ये एक चम्मच लहसुन अदरक मिलाएंगे, लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई होगा, तो मैं इसमें ये सब मसाले जो मैंने बताए थे मिला के भूनूंगी। ये हमने भून लिया है, अब मैं इसमें चिकन मैंने धो ली थी ये मिला दूंगी, चिकन को भूनेंगे साथ साथ। फिर हम इसमें फेंटी हुई दही मिलाएंगे, बहुत मजे का बनता है, आप इस तरह बनाइएगा आपको यकीनन पसंद आएगा। थोड़ा सा भाने से और भूनेंगे। हमने इसको थोड़ा भून लिया है थोड़ी देर, अब हम इसमें दही मिलाएंगे, ये आधी प्याली दही थी, इसको हम दही के साथ थोड़ा भूनेंगे, ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें बंद गोभी मिलाएंगे। नमक मैंने शुरू में मिला दिया था, इसको भूनना है थोड़ी देर और, ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ मैं इसमें एक चम्मच कढ़ाई मसाला मिला दूँगी, थोड़ा सा और भूनेंगे, कढ़ाई मसाले से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। सिर्फ एक चम्मच मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब ये हो चुका है, हम इसमें बंद गोभी डालेंगे जो हमने काट के धो ली थी, ये देखें, इसको हम थोड़ी देर ढकेंगे। दोबारा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये काफ़ी बेहतर ज़्यादा पक चुकी है, हम इसमें ये तीन हरी मिर्चें मिलाएंगे, थोड़ी देर इसको और पकने देंगे।
सालन जो है हमारा तैयार हो गया है, बंद गोभी और चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखें, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।